बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा चाट। तो इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए, 250 ग्राम मैंने यहाँ पे वाइट वटाना लिया जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था। तो अभी हमें प्रेशर कुकर में इसे ऐड कर देंगे और पानी का लेवल 1 इंच ऊपर रखेंगे वटाने से। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने पील ऑफ करके छिलके उतार के ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे मीठी चटनी प्रिपेयर करने के लिए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, 50 ग्राम इमली, 50 ग्राम गुड़, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबल स पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून काला नमक। और यहाँ पे मैंने इमली का पूरा जो भी बीज थे वो निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम गरम वाटर ऐड करेंगे ताकि जो हमारा इमली का पल्प है वो ईजिली निकल जाए और ये अच्छी तरीके से फूल जाए। तो 2 मिनट आप इसको रेस्ट पे रख दें। उसके बाद देखिए अब में इतना फाइन पेस्ट इसका बन गया है। अभी इसे हम एक छलनी की मदद से अच्छी तरीके से छान लेंगे। तो इसे आप थोड़ा प्रेशर दबा दबा कर छानें ताकि जो इसका पल्प है वो ईजिली निकल आए और जो भी इसके अंदर हार्ड स्किन है वो सब अलग हो जाए। अभी आप देख सकते हैं इसका जो पल्प है वो एकदम अच्छी तरीके से निकल आया है। मीठी चटनी प्रिपेयर करने के लिए एक पैन में मैंने इसे ऐड कर दिया और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसमें जब एक बॉईल आ जाए इसके अंदर अब अपना गुड़ को ऐड कर देंगे और गुड़ जब तक हमारा मेल्ट ना हो तब तक हम उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ भी हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे और फ्लेम हम अपना मीडियम पे रखेंगे। फास्ट फ्लेम आप ना करें वरना आपका जो ये बैटर है वो जल सकता है। तो अभी आप थिकनेस देख सकते हैं यहाँ पे इसकी। इसमें हम 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। एक बॉयल आने के बाद हम अपनी गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। यहाँ पे हमारा जो रगड़ा है वो भी कुक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक फास्ट फ्लेम पे और 2 स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। अभी हम अपने रगड़े की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। सभी को थोड़ा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम अपने वटाने को इसमें ऐड कर लेंगे। जो हमारे आलू हैं उसे हल्का हल्का हम प्रेस करके मैश कर लेंगे। और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ताकि नमक वमक सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, यहाँ पे एक ग्रीन चिल्ली को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, एक मीडियम साइज़ के अनियन को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ी सी धनिया पत्ती को ऐड कर देंगे। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं बट हम ऐसे ही डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है और इनहेंस हो जाता है। यहाँ पर ग्रीन चटनी की प्रिपरेशन करेंगे। 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 3 ग्रीन चिलीज, 1/2 इंच हम अदरक का ले लेंगे और 3 लहसुन की कली को ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक और यहाँ पे एक मैंने बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया ताकि हमारी जो चटनी है वो ग्रीन ही रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रगड़ा चाट है वो रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा रगड़ा और यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश दही लिया है और यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे हमारी मीठी चटपटी चटनी और यहाँ पे सेव। तो अब अपने रगड़े की चाट को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में रगड़ा ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं बट ये थिकनेस इसकी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ग्रीन चटनी ऐड कर दी है और यहाँ पे 1 चम्मच हम अपना जो चटपटा इमली की चटनी हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे और थोड़ी सी सेव ऐड कर देंगे और ये हमारी परफेक्ट रगड़ा चाट रेडी है। एक बार आप ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी हुई थी और सबका फ्लेवर एकदम यम्मी लग रहा था। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। रगड़े की रेसिपी को हम दही पूरी के लिए भी और पानी पूरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो वो भी मैं आगे अपलोड करूँगी। और अगर आपने मेरे मूज केक की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लगा दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।